The shared pair of electron is said to be constituted as single covalent bond between the two hydrogen atom. A single covalent bond is represented by a line between the atoms. ठीक है, एक लाइन से डिनोट किया जाता है. और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर आपको पता है 17 होता है, तो पता ही है. तो आप एक एग्जाम फिगर की हेल्प से देखो, H और H मिलके H2 बना रहे हैं, और ये कौन सा बॉन्ड से एक दूसरे से कनेक्टेड है, कोवेलेंट बॉन्ड से. H और H, H के पास एक इलेक्ट्रॉन है और इस H के पास एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे दिखा रखा है. दोनों एक दूसरे का इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, तो ये वाले सेल में दो दो इलेक्ट्रॉन इनके पास हो जाते हैं आफ्टर शेयरिंग. तो इस हाइड्रोजन के पास भी ये दो इलेक्ट्रॉन्स हैं और इस हाइड्रोजन के पास भी यही दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बन रही है वो कोवेलेंट बॉन्ड कहलाएगी, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन्स इससे भी बिलोंग कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स इससे भी बिलोंग कर रहे हैं. शेयरिंग हो रहा है, ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है यहाँ पे. और जो बॉन्डिंग है वो शो हो रहा है एक सिंगल लाइन से दोनों हाइड्रोजन एटम्स के बीच. सेम उसी तरह आप ऑक्सीजन में देखोगे तो ऑक्सीजन के पास भी 6 है आउटर मोस्ट सेल में, यानी 8 इसका एटॉमिक नंबर होता है, 2 और 6 KL. तो 6 है तो इसको 2 लेना पड़ेगा, 2 या फिर 6 लूज करना पड़ेगा. 6 लूज करना तो बहुत मुश्किल है और 2 गेन करना भी आसान टास्क नहीं है. सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑक्सीजन ने भी जो बॉन्ड बनाया है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प से बनाया है. जैसे कि आप देख सकते हो 2 इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन के, 2 इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन के शेयर होके 4 इलेक्ट्रॉन्स एक साथ हैं, यानी डबल बॉन्ड बना रहा है. 2 इलेक्ट्रॉन्स एक बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन्स एक बॉन्ड, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बना रहा है यहाँ पे. और फिर नाइट्रोजन के लिए अभी आप देखोगे कि ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है यहाँ पे, कि शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 इस नाइट्रोजन के भी 1 2 3, तो 1 बॉन्ड 2 3. तो नाइट्रोजन का 1 2 ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड है बाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बाई नॉट ट्रांसफरिंग द इलेक्ट्रॉन्स, ओनली बाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो बाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड और नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड आप देख रहे हो. ठीक है, बिकॉज आप जानते हो यहाँ इसका भी देख लो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, नाइट्रोजन का 7 इसका एटोमिक नंबर होता है. तो के और एल दो सेल यहाँ पर लिखेंगे, KLMN होता है, तो KL 2 और 5, तो इसकी 2 और 5, तो इसको कितनी की रिक्वायरमेंट है, 3 की रिक्वायरमेंट है. तो आउटर मोस्ट सेल में है तो 5 लूज करना है, 3 गेन करना है. तो 3 गेन करना भी मुश्किल है और 5 लूज करना मुश्किल है. तो शेयर कर लेगा 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो आउटर मोस्ट सेल में 5 प्लस 3 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, दैट इज इनर्ट के जैसा इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा और ये इनर्टनेस की तरफ आगे बढ़ जाएगा. तो ये जो पैराग्राफ है इसको पहले देख लेते हैं. इन केस ऑफ ऑक्सीजन वी सी द फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड बिटवीन 2 ऑक्सीजन एटम्स, दिस इज बिकॉज द एन एटम ऑफ ऑक्सीजन हैज 6 इलेक्ट्रॉन इन एल सेल. वहीं बता रखा है आपको, एक्सप्लेन कर रखा है जो मैंने बताया था, टू फुलफिल 8 ऑक्टेट्स 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है. नाइट्रोजन में 3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है. यही सारा इसमें एक्सप्लेन कर रखा है.